हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक शर्मा और आप लोगों के लिए मैं एक नया सीरीज़ लेकर के आया हूं आज, जिसका नाम है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हमारे 3 इयर्स LLB 6 सेमेस्टर का एक पेपर है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट का मैक्सिमम पोर्शंस जो है वो हम लोग प्रिपेयर कर लें। तो अगर सिलेबस की बात करूँ तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के लिए रहेगा, लेकिन अगर जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने सिलेबस को एनालाइज़ किया है, तो ऑल ओवर इंडिया जो है वो सिलेबस मैच करता है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, उनके लिए कहीं ना कहीं जो भी मैं टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ वो सिलेबस के अंदर आ ही जाता है। तो ये ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सबके लिए मुझे लगता है रेलिवेंट होगा। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि हमारा जो सिलेबस होगा वो सिलेबस की अगर बात करें तो यूनिट वन जो है, यूनिट वन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यूनिट वन में हमारा पहला जो टॉपिक आ रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है, यूनिट वन का नाम अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा जो यूनिट वन है उसमें कहीं ना कहीं इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इंटरनेशनल लॉ किस तरीके से डेवलप हुआ है और इंटरनेशनल लॉ का रिलेशन म्यूनिसिपल लॉ के साथ में क्या है, उन चीज़ों को लेकर के यूनिट वन कहीं ना कहीं डिस्कस करता है। तो पहला बात ये कि जो भी टॉपिक है, ये जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये हमारा सिलेबस है। इसके बाद अगर हम बात करें कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में अभी तक जहाँ तक जो भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास थे उसको सर्च करने के बाद में ये क्वेश्चंस हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये वो क्वेश्चंस हैं जो अभी अभी तक गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस को देखने से क्या पता चलेगा, आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं और हमें किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा यहाँ होगा वो होगा डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ का डेफिनेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सिंपल से वे में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल लॉ का डेफिनेशन का पूरा ट्रेंड किस तरीके से चलता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जो जिस टाइम में पहली बार इंटरनेशनल लॉ को मतलब पिक्चर में लेके आया गया, तो उस समय क्या था कि सिचुएशन सेम नहीं था जो आज की डेट में सिचुएशन है। आज की डेट में इंटरनेशनल लॉ जो है या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। तो जब इंटरनेशनल लॉ आया था पिक्चर में, तो उस समय जो डेफिनेशन बना था वो डेफिनेशन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उस वक्त के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से वो जो डेफिनेशन है वो फिट नहीं बैठा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस डेफिनेशंस में कुछ चेंजेस लाए गए ताकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से वो जो इंटरनेशनल लॉ का डेफिनेशन है वो फिट हो सके। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ एक ये ट्रेंड की तरह चलेगा कि पहले इंटरनेशनल लॉ का डेफिनेशन क्या था, फिर धीरे धीरे इसमें कैसे चेंजेस लाया गया और प्रेजेंटली अभी इंटरनेशनल लॉ का डेफिनेशन क्या बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो पहली बार किसने, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है वो सबसे पहले पिक्चर में किसने लेकर के आया, किसने लेकर के आया था, वो है जेरेमी बेंथम ने। ठीक है, तो अभी पहला बात करते हैं कि ओपेनहम, ओपेनहम जो क्या है, हमारा एक जुरिस्ट है, तो उन्होंने पहली बार जो डेफिनेशन दिया था उस डेफिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल डेफिनेशन बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, इनके हिसाब से जो इन्होंने ट्रेडिशनल डेफिनेशन दिया था वो पॉइंट नंबर वन में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये बोला जाता है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल लॉ एक बॉडी ऑफ रूल है जो स्टेट्स के बीच जो रिलेशन है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिलेशन का बात आ रहा है वो रिलेशन का मतलब क्या, ऑफिशियल रिलेशंस। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लॉ, अभी तक सबको पता होगा कि लॉ क्या है, तो लॉ का एकदम सिंपल मैं डेफिनेशन बोलूँ तो लॉ क्या है, लॉ को हम लोग बोल सकते हैं लॉ एक वो रूल है जो हमारे बिहेवियर या फिर हमारे कंडक्ट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल लॉ वो लॉ है जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के बिहेवियर या कंडक्ट को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन है, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी सबसे पहला क्या आता है, वो आता है कंट्रीज, जिसको इंटरनेशनल लॉ में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं। तो स्टेट्स के बिहेवियर या स्टेट्स की जो कंडक्ट
हैं दूसरे स्टेट्स के साथ में जो रिलेशन है उसको जो रेगुलेट करते हैं, जिन जिन रूल से रेगुलेट हम लोग करते हैं उस उन रूल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में आप देखिए कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अभी तक जब तक ओपेनहाइम ने अपना ट्रेडिशनल डेफिनेशन दिया था, इस डेफिनेशन तक इंटरनेशनल इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट, यानी कि किन किन के लिए है इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट में सिर्फ क्या आ रहा है, स्टेट आ रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा लास्ट में मैंने ये एक इक्वेशन टाइप बनाया है। तो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ में क्या है, सिर्फ आ रहा है आपका स्टेट। तो ये था ओपेनहाइम का ट्रेडिशनल डेफिनेशन। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ओपेनहाइम का मॉडर्न डेफिनेशन है। तो मॉडर्न डेफिनेशन में क्या हो गया कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस लेकर के आया ओपेनहाइम ने, और ये मॉडर्न डेफिनेशन में एकदम सिंपल वे में समझिए कि वही डेफिनेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले ट्रेडिशनल डेफिनेशन था वही था। लेकिन याद कीजिए, ट्रेडिशनल डेफिनेशन में जो सब्जेक्ट मैटर था वो सिर्फ स्टेट था। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन में वे में दिख रहा होगा कि ओपेनहाइम ने अपने रिवाइज डेफिनेशन में क्या कर दिया, ओपेनहाइम के रिवाइज डेफिनेशन में स्टेट के अलावा क्या आ गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स भी आ गया। मतलब पहले ओपेनहाइम का जो डेफिनेशन था जिसको हम लोग ट्रेडिशनल डेफिनेशन बोलते हैं, उसमें ये कहा गया था कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या होगा, सिर्फ स्टेट होगा। लेकिन उसके बाद जब ये डेफिनेशन को रिवाइज किया गया तो उसमें ये बोला गया कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ जो इंटरनेशनल लॉ है वो स्टेट के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और इंडिविजुअल्स भी क्या हो सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि जो हमारा डेफिनेशन है वो समय के साथ क्या हो गया, चेंज होते गया, ताकि उस समय के हिसाब से वो उस समय को जो डेफिनेशन है वो समय के को फिट हो सके। ठीक है, तो ये हो गया अपना ओपेनहाइम का रिवाइज डेफिनेशन। तो पहला है ओपेनहाइम का ट्रेडिशनल डेफिनेशन, सेकेंड आया ओपेनहाइम का रिवाइज डेफिनेशन। उसके बाद क्या है देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो ज्यूरिस्ट है जिनका डेफिनेशन बहुत ही फेमस हुआ, जिनको हम लोग बोलते हैं स्टार्क्स डेफिनेशन, तो स्टार्क डेफिनेशन का में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो स्टार्क डेफिनेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी एक मॉडर्न डेफिनेशन है, और स्टार्क डेफिनेशन जो है वो एग्जैक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि वो सिमिलर है ओपेनहाइम के मॉडर्न डेफिनेशन से। ठीक है, तो ओपेनहाइम का जो मॉडर्न डेफिनेशन है वही स्टार्क का डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टार्क ने क्या किया, इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप है उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया। इसमें आप देख लीजिए, जब ये पॉइंट नंबर 3 में आकर के आप देखिए कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू स्टार्क्स डेफिनेशन क्या क्या है, स्टेट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल्स है, जो कि यहाँ तक ऑलरेडी ओपेनहाइम के रिवाइज डेफिनेशन कवर करता है। लेकिन इसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे ऐड हो गया, अदर नॉन स्टेट एंटिटीज, यानी कि यहाँ पे एक स्कोप रखा गया कि नहीं, आगे आकर के और भी लोग यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है वो ऐड हो सकते हैं। तो तीन जो है वो स्पेसिफिक है, स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स। इसके बाद में और एक नया चीज़ ऐड किया गया कि अदर नॉन स्टेट एंटिटीज़ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटिटीज़ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल के अंदर लेकर के आ सकते हैं। तो ये था स्टार्क्स डेफिनेशन। उसके बाद हम लोग आते हैं स्कीवर्सन बर्जर का, जिसको हम लोग जिसका डेफिनेशन भी क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन है। तो अभी अकॉर्डिंग टू स्कीवर्सन बर्जर इन्होंने क्या कहा, तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, ही प्रिफर्ड नॉट टू नेम द एंटिटीज हुज राइट्स एंड ड्यूटीज आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल लॉ। तो अभी ये जो स्कीवर्स एंड बर्जर है इन्होंने क्या किया कि जिस तरीके से क्या हो रहा है, हर डेफिनेशन में हम लोग देख रहे थे कि जो भी डेफिनेशन दे रहा है वो स्पेसिफिकली ये बता रहा है कि इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट्स, यानी कि इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट क्या है, ये लॉ किसके ऊपर लागू होता है। लेकिन स्कीवर्सन बर्जर ने क्या किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये किसके ऊपर लागू होता है, इन्होंने क्या कर दिया, स्कोप को ओपन रखा, स्कोप को ओपन रखा, जो भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है उनके ऊपर इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, लागू होता है। उन्होंने बस ये बोला कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के कैटेगरी में अगर हम लोग उसको लेकर के जा सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा इंटरनेशनल लॉ का। तो ये सारे डेफिनेशन में क्या है, थोड़ा बहुत हम लोग को पता है कि सिंपल वे में अगर हम लोग बोलें तो इंटरनेशनल लॉ एक वो लॉ है या रूल है जो रिलेशंस जो है बिटवीन टू स्टेट्स या बिटवीन अमंग वेरियस वेरियस स्टेट्स, वो रिलेशन को रेगुलेट करता है। लेकिन सभी डेफिनेशन
डेफिनेशंस में आपको सब्जेक्ट मैटर का डिफरेंस, सब्जेक्ट का डिफरेंस मिलेगा। तो अगर आप फिर से रिवाइज करें तो ओपेनहेम का ट्रेडिशनल डेफिनेशन में कहा गया था कि सिर्फ स्टेट ही हो सकता है इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर। रिवाइज डेफिनेशन में उन्होंने क्या किया अगर हम लोग देखें तो रिवाइज डेफिनेशन में क्या आ गया, स्टेट के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स भी आ गया। उसके बाद स्टार्क्स डेफिनेशन में एग्जैक्टली सेम है ओपेनहेम के मॉडर्न डेफिनेशन से, ठीक है। इसमें बस क्या आ गया, अदर नॉन स्टेट एंटिटीज भी आ गया। उसके बाद में स्कीवर्स एंड बर्जर ने क्या किया, इंटरनेशनल लॉ का स्कोप ओपन रखा। इन्होंने बोला कि हर वो इंस्टीट्यूशन या फिर हर वो चीज़ इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है अगर वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है तो। तो यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या किया, डेफिनेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इसके बाद थोड़ा कंक्लूजन अगर हम लोग लें कि ठीक है किसको, अगर हम लोग कोशिश करें थोड़ा सा डिटेल में जाने की तो किसको हम लोग इंटरनेशनल लॉ बोल सकते हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत जूरिस्ट हैं कि कुछ ओपिनियंस हैं जिसको मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ बोला जा रहा है कि इट इज़ सजेस्टेड डेट ओनली दोज लॉज विच रेगुलेट द रिलेशन ऑफ स्टेट शुड बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल। ये एक सजेशन है कि ठीक है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को तो यहाँ पे ऐड किया गया था कि हाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंडिविजुअल्स भी हैं, अदर इंटरनेशनल पर्सनैलिटी भी है, ये सारे सब्जेक्ट्स को जो गवर्न करता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ओपिनियन भी दिया गया है कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ उन लॉ को ही बोलना चाहिए जो स्टेट्स के रिलेशंस को रेगुलेट करता है, तो बाकी के जो रिलेशंस को रेगुलेट करता है उनको क्या बोला जाए। तो पॉइंट नंबर टू में आप लोगों को दिख रहा होगा कि इफ़ द लॉ कवर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसा लॉ है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहा है या इंडिविजुअल्स को कवर कर रहा है या अदर एंटिटीज को भी कवर कर रहा है, तो उनको इंटरनेशनल लॉ बोलना सही नहीं रहेगा। उससे अच्छा है कि उन लॉज को हम लोग क्या बोले, ट्रांसनेशनल लॉ बोले। तो ये जस्ट एक सजेशन है अभी, ये सजेशन जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जज जेसप ने सजेस्ट किया था ये। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ डेफिनेशन को थोड़ा सा क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए ये सारे जो पॉइंट्स वो आप लोगों को मदद करेगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन पे हिट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।